हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा यूपी का ब्लॉग चैनल। फ्रेंड्स कैसे हो आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है क्योंकि आज हमारे शहर सहारनपुर में हैंडीज में आई हूँ। ये काफ़ी टाइम हो गया है खुला हुआ, मैं कई बार आ भी गई हूँ लेकिन मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। जो मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ कहाँ से मतलब मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो मैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और यहाँ का मतलब जो रेस्टोरेंट है बहुत ही प्यारा बनाया गया है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर पिज़्ज़ा और क्या नाम है बर्गर और मंचूरियन फास्ट फूड्स मिलते हैं, और मैं आपको साथ शेयर करूंगी कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना प्यारा बनाया गया है। तो आप अगर सहारनपुर में आए तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें। तो फ्रेंड्स मैं आ जाई हूँ हैंडीज में, हमारे शहर सहारनपुर में खुला हुआ है ये। यहाँ पर मैं कई बार विजिट कर चुकी हूँ बट मैंने कभी इसका ब्लॉग नहीं बनाया है। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि यहाँ का व्यूज़ है बहुत ही खूबसूरत है, मतलब जो रेस्टोरेंट बनाया गया है बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, और जो इसका फास्ट फूड्स होते हैं यानी कि पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर बहुत ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी होता है, और जो उसका MRP है मतलब इतना भी MRP नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मतलब कम रेट में है और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट होता है उसका। तो फ्रेंड्स मैंने आज यहाँ पर विज़िट किया है तो मैं सोच रही हूँ मैं ब्लॉग के तौर पर आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप सहारनपुर में कभी भी आए या आप सहारनपुर के हो तो आप एक बार विजिट आर्टिस्ट हैंडीज़ पर आप वहाँ पर रेस्टोरेंट में ज़रूर आए। ये यहाँ पर सामने गवर्नमेंट स्कूल है जिसके सामने ये हैंडीज़ बनाया गया है, और ये यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। तो फ्रेंड्स ये है हैंडीज का फ्रंट, अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर जाने के लिए। हम अंदर आ गए हैं, सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पिज़्ज़ा बर्गर्स ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये नीचे का पोर्शन है, अब हम आए हैं ऊपर के पोर्शन में। आप यहाँ देख सकते हैं कि खूबसूरती से मतलब तैयार किया गया है रेस्टोरेंट। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स ये सामने केस बनाया गया है यानी कि पिंजरा, यहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड आता है रील्स के लिए वीडियोस बनाने के लिए। ऊपर ये ग्रास की लाइटिंग का बहुत ही प्यारा लगता है, इससे बहुत अच्छी लाइटिंग आती है, और यहाँ पर हम बैठ के वीडियो सेल्फीज लेते हैं, मतलब बहुत अच्छा फील होता है, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा आता है। और ये लाइटिंग का तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है, बहुत अच्छी लाइटिंग आती है इससे। ये ग्रास में लगा हुआ है, कुछ वुडन टाइप का बना हुआ है, उसमें लाइटिंग लगी हुई है। यहाँ पे रिसेप्शन है मतलब ऊपर भी हम ऑर्डर कर सकते हैं पिज़्ज़ा। ये सामने है, ये बंद हुआ है वरना यहाँ पर भी बैठकर हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं। ये ग्रास वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, डेकोरेशन मतलब बहुत ही कमाल की डेकोरेशन की हुई है, और यहाँ पर बैठने का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त है, मतलब अच्छे से बैठ सकते हैं, कम्फर्टेबल फील होता है, और बैकग्राउंड्स भी बहुत अच्छा आता है। हैंडीज को बेस्ट बर्गर का सर्टिफिकेट मिला हुआ है आप देख सकते हैं, और ये यहाँ का मेन्यू है। यहाँ पर हर वेडनेसडे आपको 1 get 1 पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा और होम डिलीवरी फ्री है। और फ्रेंड्स मैंने ले लिया है बर्गर और एक ली है थम्सअप, इसके बिना तो अधूरा है बर्गर थम्सअप के बिना। और आज मेरा फास्ट है तो मैं यहाँ पर नहीं खाऊँगी, तो मैं घर जाकर खाऊँगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बर्गर कैसा है। ये 40 rupees का बर्गर है और ये वेज बर्गर है। अब हम चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टार्ट का टाइम हो चुका है और ये है वेज बर्गर। ये 40 rupees का आपको इजीली मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है क्योंकि इसमें चीज़ और कॉर्न बहुत ज़्यादा भर भर कर होता है। ये यहाँ का फेमस बर्गर है आलू टिक्की बर्गर। फ्रेंड्स जो वहाँ का कॉम्बोज है, जो पिज़्ज़ा का कॉम्बोज है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, बट वो मैं वीडियो के तौर पर जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मैं फिर से आपको नई वीडियो के साथ मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.